कुछ लोगों को मेरे व्लॉगिंग से बहुत ज्यादा दिक्कत है। हे गाइस, माय नेम इज अनु जैन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। सेम हियर, मी टू। माय शोनन वाला जो अभी रेस्ट कर रहा है, अभी सो रहा है। ओके, सो आप मेरा न्यू बैकग्राउंड देख रहे होंगे। एंड ये जो बैकग्राउंड है, ये हमारे बैठक का है। आज मैं बैठक में इसलिए बैठी हूँ ओपनली, क्योंकि मम्मी पापा लोग जा रखे हैं हॉस्पिटल एंड शोना इधर ही है। सो मम्मी पापा हॉस्पिटल इसलिए जा रखे हैं क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि मम्मी की तबीयत खराब चल रही है। सो जिस वजह से उनका कुछ चेकअप वगैरह होना है, सो उसके लिए वो लोग हॉस्पिटल जा रखे हैं। एंड आगे चल के इस बारे में मैं आप लोगों से बात करती हूँ, बट जो स्टार्टिंग करने वाली हूँ मैं वो ब्लॉग की, ये है कि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपना शॉपिंग हॉल, जो कि मैंने प्रीवियस ब्लॉग में करा था मेरे विशाल मेगा मार्ट से मेरे शोना लाला के लिए शॉपिंग। सो मैंने सोचा क्यों ना वो चीज़ आप लोगों को दिखा दी जाए कि विशाल मेगा मार्ट में क्या क्या आ रखा है, बाजार में क्या क्या आ रखा है, आप लोगों को उस बारे में बता दिया जाए। क्योंकि दो तीन दिन से मैंने पूरे वॉश करके कपड़े रख लिए थे, बट मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी कि शोना लाला के चक्कर में, देन काम वाम। आज मैं जल्दी से फ्री होके बिल्कुल काम वाम करके, क्योंकि मम्मी लोग भी हॉस्पिटल चले गए थे जल्दी, तो काम वाम करके सब कुछ निपटा वपटा के मैंने सोचा कि ब्लॉग वगैरह बना लिया जाए एंड आप लोगों को दिखा लिया जाए कि क्या क्या चीज़ मैं लेके आई हूँ एंड क्या क्या फिलहाल मिल रही है। सो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं व्लॉगिंग की। एंड ये है मेरी शॉपिंग फिलहाल के लिए, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में ज़्यादा अभी कपड़े नहीं आ रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर में जो कपड़े वहाँ पर लगे हुए थे, सेम वही है, एक्स्ट्रा भी कलेक्शन कुछ भी नहीं आ रखा है नया। एंड सेम बिग बाज़ार में अभी कुछ भी नहीं आ रखा है नया। मैं सिर्फ एक शूज़ लेके आई हूँ कन्नू के लिए। वहाँ विंटर सीज़न जो नहीं लगा है, सिर्फ अभी समर सीज़न है। विंटर सीज़न नवंबर तक वहाँ आ जाएगा एंड अक्टूबर लास्ट तक या मिडल में जो है विशाल मेगा मार्ट में भी लग जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं मेरी शॉपिंग हॉल से। मैंने कन्नू के लिए सॉक्स ले रखे हैं जो कि 40 रुपीज़ में मिले हैं पेयर में, विच इज़ नॉट बैड। एंड 40 रुपीज़ में दोनों पेयर लिए हैं, तो मैंने ये टू पेयर्स लिए हैं। टू पेयर्स में ये ग्रे वाला है एंड ये ब्लू वाला जो है लाइट वाला मिल रहा है। देन उसके बाद मैंने 69 रुपीज़ में ये दो पेयर लिया है, 69 ईच है दोनों। ये अंदर की जो इनर वाला जो होता है गर्म इनर, ये वो है। देन उसके बाद मैंने 99 रुपीज़ में कुछ मैंने पजामे लिए हैं 99 रुपीज़ में। सच में विशाल मेगा मार्ट में आई डोंट थिंक सो कि 99 रुपीज़ में घर के लिए कपड़े इतने ज़्यादा बेकार हैं। सही है, कपड़े भी अच्छे मिलते हैं बच्चों के। तो ये पांच जो कलर है मैंने ये वहाँ से विशाल मेगा मार्ट से कन्नू के लिए पजामे लिए इन 99 रुपीज़, विच इज़ नॉट बैड फॉर होम। घर में पहनने के लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं है। एंड इसी के साथ साथ पजामे की और भी थी वहाँ पे, 69 था, 99 था एंड कॉम्बो वाला भी था बहुत सारा था, बट मुझे ये पांच पसंद आए तो मैंने कन्नू के लिए ये लिए। देन बारी आती है ये स्वेटर की, जिसमें लिखा है डैडीज प्रिंसेस, जो कि शोना को पसंद आया एंड ये हमें मिली है 199 में, 200 में, विच इज़ नॉट बैड, नॉट बैड। 200 रुपीज़ में ये स्वेटर बहुत सही है। फिर उसके बाद दबारी आती है, ये भी मुझे सेम मिला है 200 में, ये भी 200 में मिला है, विच इज़ नॉट बैड। देन उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है सेम हुडी की, जो फर्स्ट वाला पिंक कलर हुडी है सेम उसी की तरह है, ये भी 200 रुपीज़ में मुझे मिला है, विच इज़ नॉट बैड। एंड देन लास्ट मुझे ये मिला है हुडी, जिप वाला हुडी है एंड कैप वाला हुडी है, ये मुझे मिला है 300 रुपीज़ में। मैं आपको अप्रॉक्स बता रही हूँ, क्योंकि ये 199 में, 299 में ऐसे मिला है, तो आप इसे 300 मान सकते हैं। 300 में मुझे बच्चे का हुडी मिला है, विच इज़ नॉट बैड। सो ये है मेरी भैया शॉपिंग जो मैंने विशाल मेगा मार्ट से करी है बिग बाज़ार में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अभी विंटर्स के कपड़े नहीं आए हैं, नवंबर फर्स्ट वीक तक वहाँ आ जाएंगे जैसा उन्होंने मुझे बोला है। एंड मैंने बहुत ही प्यारे उसके शूज़ लिए हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ, लेके आती हूँ। सो ये रहे वो शूज़ जो मैंने कन्नू के लिए बिग बाज़ार से लिए हैं, विच इज़ 399। तो 399 में इतने प्यारे पेयर शूज़ में, हालांकि तो उसकी रगड़ पट्टी बना दी काफ़ी बार हम लोगों, कन्नू को ये पहना के ले जा भी चुके हैं घूमने के लिए। सो ये रहे वो शूज़ जो मैंने बिग बाज़ार से लिए हैं, कपड़े अभी नहीं आए हैं। सो चलिए अब बात कर लेते हैं मम्मी के तबीयत की। मम्मी को जो है फ़िलहाल के लिए अभी मम्मी अपना चेकअप वगैरह के लिए जा रखी है हमारे नियर बाय ही कोई हॉस्पिटल है, बट जहाँ प्रीवियस हॉस्पिटल में जहाँ हमने मम्मी को दिखाया था, तो वहाँ पे एक इशू आ गया था। इशू क्या आया था, इशू कुछ इस तरीके का था कि मम्मी को जहाँ दिखाया गया
तो मम्मी के पेट में जो है पित्त की थैली जो बोलते हैं, जिसमें पथरी बताई गई है मम्मी को, तो जिस हॉस्पिटल में हम ले गए उस हॉस्पिटल वालों ने, आप डॉक्टर हैं, आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अभी कोरोना के टाइम पे आपको वॉरियर बोला जा रहा है, कोरोना वॉरियर बोला जा रहा है, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि आपको इतना सम्मान दिया जा रहा है। और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कई डॉक्टरों ने इतना ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा रखा है कि आप पेशेंट्स का बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप पेशेंट्स को ठग रहे हैं इसी चक्कर में। तो मम्मी की नॉर्मल एक पित्त की थैली में जो है एक स्टोन मिला है, पथरी मिली है। तो मम्मी जब वहाँ उस हॉस्पिटल में गई तो उन लोगों ने मम्मी का चेकअप करा, एंड मम्मी के चेकअप के बाद उन लोगों ने मम्मी को शुगर बताया, मम्मी यूरिन इन्फेक्शन बताया यूरिन में, एंड थर्ड मम्मी को फैट भी बढ़ाया कि आपका हार्ट का फैट भी बढ़ा हुआ है, एंड देन बोला कि आपका पथरी का इलाज किया जाएगा, पहले इन तीनों चीज़ों का इलाज किया जाएगा, देन उसके बाद आपका पथरी का इलाज किया जाएगा। मम्मी रोज़ हॉस्पिटल से अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करते थे कि पहला आपका यूरिन इन्फेक्शन का जो है हम इंजेक्शन वगैरह आपको देंगे, आपको इसको 1 वीक 2 वीक 3 वीक कितने भी ज़्यादा वीक लग सकते हैं। तो मम्मी 2-3 दिन से रेगुलर जो है अप एंड डाउन कर रही थी, हॉस्पिटल जाना एंड मॉर्निंग में जाना ग्लूकोज चढ़ाना इंजेक्शन लगवाना, देन शाम को जाना ग्लूकोज चढ़ाना इंजेक्शन लगाना, इस तरीके से कर रही थी। एंड मम्मी का जो पेन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो हम लोगों ने मतलब पहले हम लोगों को समझ भी नहीं आया इतना ज़्यादा हुआ, देन उसके बाद जब उसने बोला कि ये 2 वीक 3 वीक भी बढ़ सकता है, देन उसके बाद लगा, क्योंकि मम्मी को घर आती थी मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन होता था, तो शुना ने सोचा कि हम लोग क्यों ना एक और बार कहीं और चेकअप करा के देख लेते हैं, क्योंकि एक बार चेकअप कराने में हम लोग सेटिस्फाई नहीं थे। बट ये था कि जब मम्मी को पेन बढ़ता जा रहा था तो हमने फिर दोबारा सोचा, तो मम्मी को जब दोबारा दूसरी जगह पर हमने किसी अच्छे डॉक्टर पे, अच्छे डॉक्टर मैं आपको बता देती हूँ, पथरी के लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर जो है धर्मपुर में आरागढ़ में नेकी डॉक्टर को माना जाता है, वो वहाँ पे भी जब रिपोर्ट वगैरह आई तो वहाँ पे मम्मी के सिर्फ उन्होंने टच करके मम्मी को बताया कि आपके पित्त की थैली में पथरी है एंड आपको सूजन है पेट में, जो कि पित्त की थैली में पथरी होने की वजह से आई है, आपको ना कोई फैट बढ़ा है, ना आपका शुगर है, ना आपका यूरिन में कोई इन्फेक्शन है। मतलब कोई डॉक्टर ऐसे कैसे कर सकता है। आई वॉज सो शॉक्ड कि मतलब आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, आजकल कोरोना के चक्कर में लोग डॉक्टर्स ले नहीं रहे हैं, एंड जहाँ जहाँ पे ये चीज़ों के स्पेशलिस्ट है अगर वहाँ भी आप जाते हैं एंड वहाँ आपको इस तरीके से ट्रीट करा जाता है सिर्फ पैसे खाने के लिए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात या इससे बड़ी गलत चीज़ क्या हो सकती है, आप बताइए। देन हम लोगों को वो तो भगवान की वजह से, भगवान के उससे कि हम लोगों को ये लगा कि चलिए हम लोग कहीं दिखा देते, क्योंकि मम्मी का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो जब दूसरी जगह दिखाया तो वहाँ पे डॉक्टर ने चेकअप करा एंड उसके बाद देन दवाई ववाई दी। अब मम्मी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, मम्मी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है उस चीज़ की वजह से। तो अभी मम्मी लोग जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने के लिए एंड चेकअप वगैरह कराने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले मम्मी लोगों ने कोविड का टेस्ट करवाया, तो वो कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। तो आज मम्मी लोगों को रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर पे दिखानी थी, अब डॉक्टर पे दिखाएंगे, देन उसके बाद जो है ऑपरेशन के लिए मम्मी को बोल रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक, शायद से मे बी कल तक जो है उन्हें ऑपरेशन के लिए बता देंगे कि हाँ ऑपरेशन करना है, जो कि लेज़र थ्रू ही होना है। तो अभी फिलहाल मम्मी लोग जा रखे हैं, तो कन सो रही थी तो मैंने सोचा शुना भी अभी अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्लॉग आपको बता दूं कि मैं क्या क्या सामान लेके आई थी एंड जो डिस्कस करना था मुझे, फर्स्ट थिंग ये थी एंड सेकेंड थिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर कर ली जाए, क्योंकि जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उनको भी ये बात पता चल जाए। कुछ लोगों को मेरे व्लॉगिंग से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। भाई अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग से दिक्कत है, आप लोगों को मेरा ब्लॉगिंग देखना पसंद नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल पसंद नहीं है, तो कृपा जोड़ के आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे ब्लॉग नहीं देखिए, क्योंकि मेरे सुनने में आया है, ऐसा नहीं है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत है जो मेरे अननोन में, नोन में है सॉरी, जिन्हें मेरे से बहुत ज़्यादा खुजली है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, ये वैसा क्यों कर रही है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। आप अपने घर से, आप अपने परिवार से, आप अपने आप से मतलब रखिए प्लीज़, क्योंकि मेरे बारे में ये बोला गया है कि ये व्लॉगिंग बना रही है, इसे व्लॉगिंग के लिए टाइम कैसे मिल जा रहा है ना, मेरे हस्बैंड को बोला जा रहा है कि तू व्लॉगिंग में हंसता है, चुपचाप बैठा रहता है, अनुजा बोलेगी तुझे चुपचाप खड़ा रहे तो तू चुपचाप खड़ा रहेगा, समझने वाला समझ जाएगा कि मैं किस इंसान के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एंड मुझे किसी तरीके से वो बात पता चल गई जो मुझे नहीं पता चलनी चाहिए थी, शायद ना पता चलती तो, क्योंकि मुझे कहीं से भी पता नहीं चलता अगर मैं वो इनडायरेक्टली बात नहीं सुनती तो।
तो सोचिए कितना बुरा लगता है अगर आप किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं एंड सोचते हैं कि हाँ यार वो इंसान मेरे सपोर्ट में है या मेरे इंसान में जो भी चीज़ में है, तो वो अगर पीठ पीछे मेरे इंसान मेरे लिए ऐसा बोले, मेरे लिए ये बिल्कुल भी सहन करने वाली चीज़ नहीं है, जो कि मैं सहन नहीं करने वाली हूँ। एंड मैं मुंह पे फट बोलने वाली इंसान हूँ, बट मैं उम्र का और रिश्तों का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, तो इसलिए मुंह पे मैं जल्दी से नहीं बोलती हूँ, बट जब टाइम आता है मैं मुंह पे ज़रूर बोलती हूँ। अगर आपको मेरी व्लॉगिंग से बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो कृपा करके मेरी व्लॉगिंग को ना देखें, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि मैंने किसी को भी एक तरह से फोर्स नहीं करा है कि आप मेरे व्लॉगिंग देखें। व्लॉग बनाना मुझे पसंद है इसलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ, और जो चीज़ मुझे पसंद है वो मैं करती हूँ, वो मैं किसी से पूछ के नहीं करती हूँ। हालांकि यही व्लॉगिंग के लिए शोना ने भी मुझे स्टार्टिंग में जो है बहुत बोला था कि नहीं व्लॉगिंग क्यों बना रही है, क्या करेगी व्लॉगिंग बना के। देन जब मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ में आया, मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने लगी, व्लॉगिंग बनाने लगी, तो शोना को लगा कि हाँ कि चलो इसका इंटरेस्ट है तो ये व्लॉग बना रही है तो बनाने दो, क्यों ना कर रही है तो करने दो। देन वो भी मेरे सपोर्ट में आने लगे, वो भी व्लॉगिंग में शामिल होने लगे, वो मुझे जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आपका पार्टनर किसी आपके काम में शामिल होता है तो आपको जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेन रीज़न मेरा व्लॉगिंग बनाने का यही था, एंड अपने शॉपिंग दिखाने का जो आपको बताने का कि विशाल और बिग बाज़ार में नहीं आया है अभी सामान, क्योंकि कई लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो देखते हैं उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन्स भी लाती हूँ, वो चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, तो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मैं जो करना पसंद करती हूँ वो मैं करती हूँ, तो फॉर माई एनिमीज जो डज नॉट लाइक टू वॉच माई व्लॉग्स और डज नॉट लव कि मैं ब्लॉगिंग करूं और डज नॉट लाइक कि मैं ब्लॉगिंग करूं, उन लोगों के लिए प्लीज़ ब्लॉग देखना बंद करिए, क्योंकि मुझे ऐसे लोग कत्ते पसंद नहीं है जो मेरे मुंह के सामने अच्छे बने और मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करें। तो व्लॉग मैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए बना रही थी और ये बात बताना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ और उसी पर बातें कर लेती हूँ एंड उसी पर ये सब चीज़ें दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आगे से ये चीज़ रहेगी ना कि मेरे सामने अगर वो चीज़ आती है तो मैं उसे मुंह पे बोल सकूँ, जबकि मैं इनडायरेक्टली बोल सकती हूँ तो मैं मुंह पे भी बोलने का दम रखती हूँ। तो व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, छोटा सा नॉर्मल सा व्लॉग बना रही हूँ जस्ट इसी बात पे करने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी, बिल्कुल मत भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चल देन, बाय बाय। See you.